Glorious family, assalamu alaikum and welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. In today's video, I'm reviewing a product. The product which I'm reviewing today is Contour Kit by Luscious Cosmetics. ठीक है जी. अच्छा, बहुत दफ़ा हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्टोर किस तरीके से करें अपने फेस को, और कॉन्टोर करने के लिए कौन कौन सी किट्स या कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. तो बंडल ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट, बट तो चूज़ हम कौन सा करें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. जो आजकल मैं कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ वो यही लशियस कॉस्मेटिक्स की कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ. ये जो शेड है वो मैट ड्रामा है. ठीक है, इसके दो शेड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी जो मैं ये वाला आप लोगों के सामने रिव्यू कर रही हूँ मैट ड्रामा है. ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स के बाद ये पैलेट निकलता है. जो पैलेट है वो टिन प्लेटिंग में, ये टिन है. ठीक है, टिन की प्लेटिंग में है, तो ये इजीली ट्रैवलिंग फ्रेंडली है. ये अगर गिरता भी है तो इसके अंदर का जो पैलेट है, मतलब ये जो इस तरीके का पैलेट है जो अंदर इसकी सम चीज़ें हैं, ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको एक गाइड किट दी हुई है. ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्टोर आप किस तरीके से अपने फेस पर कर सकते हो. इसकी कलर कीज दी हुई है पीछे की साइड पर, और ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है. ठीक है, ये आपके शेप के जो भी आपका फेस का शेप है उसके अकॉर्डिंग कॉन्टोर आप किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई है. ठीक है जी, उसके बाद फर्दर अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊँ तो ये एक गाइड दिया हुआ है आपको, कि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर ये ल्यूमिनाइजर है. ठीक है, ये हाइलाइटर है, और ये दो कॉन्टोर के शेड्स हैं जिसमें एक मीडियम और एक डार्क है. ठीक है जी, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको इस कॉन्टोर पैलेट के थ्रू अपने फेस की कॉन्टोरिंग करके बताती हूँ, और एक साइड पर कॉन्टोरिंग करूँगी, दूसरी साइड पर नहीं करूँगी. आप देखिएगा कि कॉन्टोर करके आपके फेस पर किस तरीके से डिफरेंट लुक आता है. ठीक है जी, अब चलते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ. अब मैं इस वाले ब्रश से कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने थोड़ा सा लेना है डार्कर लाइटर शेड और थोड़ा सा लेना है डार्कर शेड, और इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना है, और अब मैं कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर रही हूँ एक साइड पर. ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द पाउट. आप पाउट बनाओ, और ये जो आपकी चीक बोन है ना, इसको हाईलाइट करना है. एक्चुअल में कॉन्टोर का मतलब होता है जो आपके हाईलाइटेड एरियाज है ना, जो बोन्स हैं आपकी, वो हाईलाइट हो, सही, आपका फेस पतला लगने लगे. ठीक है, तो ये जो चीक बोन्स है और ये जो जॉ लाइन है, इसको आपने हाईलाइट करना होता है, और ये नोज़ को. तो आप इधर ही इन तीन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हो, और अपने फेस पर थ्री टाइप का मार्क बना रहे होते हो. तो वो मैं पूरा बनाकर आपको एक साइड पर कॉन्ट्रोल करके दिखाऊंगी, और एक साइड पर नहीं करूंगी, ताकि आपको वाजे फर्क पता चल सके. सही है जी, ठीक है गाइज. अब ये मैंने थ्री तो बना लिया अपने फेस पर. अब आपको मेरी इस साइड पर और इस साइड पर थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा होगा, अभी मुझे ब्लेंडिंग इस साइड की करनी है. ओके जी, इस साइड को देखो, ये थोड़ा सा मतलब इसके फीचर्स इतने इन्हांस नहीं हुए, इस साइड के फीचर इन्हांस हो गए. यहाँ पर आपने इस शेप का थ्री बनाना है, और मेक श्योर कीजिएगा ये वाली चीज़ जो होती है वो आपकी चीक बोन के अकॉर्डिंग चले, जैसे चीक बोन चल रही है उसके पैरेलल चले, और ये जॉ लाइन
ठीक है जी। अब मैंने नोज़ की कॉन्टोरिंग करनी है और इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। आपके सामने ही कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा अपने रिव्यूज़ के थ्रू कि आपको कॉन्टोरिंग कैसी लगी। तो अब मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग इससे कर रही हूँ, और नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये वाली चीज़ पर ब्लैक वाले जो थोड़े डार्कर शेड्स होते हैं उनके लिए मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये दोनों शेड्स, ठीक है। ये मैंने लिए और इसको मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इस साइड पर, इस साइड पर बस एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। और बीच की साइड पर मुझे हाइलाइटर लगाना है, ये वाली चीज। मैंने इस साइड पर कॉन्टोरिंग की और इस साइड पर नहीं की, तो आपको दोनों में फ़र्क पता चल रहा होगा। यहाँ पर मैंने 3 बनाया और नोज़ की कॉन्टोरिंग फुल की, अभी ब्लेंडिंग बाकी है, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप कॉन्टोर करके, बहुत सारे लोगों का फेस थोड़ा सा फैटी होता है, तो फेस को थोड़ा पतला करने के लिए, बहुत अच्छा मेकअप करने के लिए, मेकअप को इन्हांस करने के लिए, अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉन्टोरिंग इज़ द मस्ट। सो इस तरीके से आप इजीली कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लेंडिंग नहीं की है, मैं ब्लेंडिंग अभी आप लोगों के सामने करके बिल्कुल फिनिश लुक के साथ आपके सामने आती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैं ब्लेंडिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर इस एरिया पे लगाने के लिए लिया है, इतना हाइलाइटर, और इसको मैंने वेस्ट किया, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो सारा निकल गया। अब इस साइड पर मुझे हाइलाइटर लगाना है ताकि मेरा जो कॉन्टोर है वो बिल्कुल प्रॉपर पता चले। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप वैसे भी फिनिश नहीं लगेगा। मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल प्रॉपर आए। मेरी डबल चिन है थोड़ी बहुत, तो जॉ लाइन का दिखना ना कोई एक ड्रीम होता है जिनकी डबल चिन होती हैं, तो जॉ लाइन आपकी जब ही सही से दिख सकती है जब आप कॉन्टोर ढंग से करो। सी, इस साइड की कॉन्टोरिंग कंप्लीट है। अब मैं दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से कॉन्टोरिंग करती हूँ और बिल्कुल फिनिश लुक के साथ आपके सामने आती हूँ। मैंने कॉन्टोरिंग किस तरीके से की, सबसे पहले मैंने जो ये जो दो शेड्स थे इनको मिक्सअप किया अपने ब्रश में, सारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो अपने उससे हटाया और इधर 3 बनाया, ठीक है। 3 बनाने के बाद मैंने इस वाले ब्रश से 3 बनाया, ये वाला ब्रश था जिससे मैंने फेस की कॉन्टोरिंग की। नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मुझे ये वाला ब्रश चाहिए था, इससे मैंने अपनी नोज़ की ये वाले एरिया में 2 लाइंस ड्रॉ की इन्हीं दोनों शेड्स के थ्रू। उसके बाद उनको अच्छे से ब्लेंड करके बीच की जो मेरी जगह थी ये नोज़ की, उसको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। और फिर हाइलाइटर मैंने थोड़ा नीचे दिखाया लगाया ताकि मेरे कॉन्टोर का शेड बिल्कुल परफेक्ट दिखे। कॉन्टोर किस तरीके से किया हुआ है मैंने वो बिल्कुल सही से हाईलाइट होके पता चले, सही है। अब मैं दूसरी साइड पर भी हाईलाइट कॉन्टोरिंग करती हूँ प्रॉपर। आप मेरी दोनों साइड पर फर्क देखो, ये वाली साइड थोड़ी स्लिम और थोड़ी मतलब अच्छी सी लग रही है, और ये वाली साइड थोड़ी कॉन्टोर नहीं किया हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, तो वाजे फ़र्क पता चलता है आपको, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड पर भी कॉन्टोरिंग करके आपके सामने फाइनल लुक के साथ आती हूँ। सी गाइज, मैंने बोथ साइड पे कॉन्टोरिंग कर ली। अब मेरी चीक बोन, मेरी जो चीक बोन, मेरी जॉ लाइन और ये जो नोज़ का है वो प्रॉपर दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा
बिल्कुल प्रॉपर लुक आया, ठीक है। अब मैंने कोई ब्लश ऑन नहीं लगाया, मैंने बाकी और कुछ भी नहीं लगाया, कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, वो जो इसमें हाइलाइटर था वो मैंने लगाया, और वो हाइलाइटर यहाँ के लिए नहीं है, वो हाइलाइटर इधर के लिए है ताकि आपकी ये वाली चीज़ थोड़ी सी इनहेंस हो। आप लोग हाइलाइटर से ये बिल्कुल मत समझिएगा मैंने यहाँ वाला हाइलाइटर यहाँ पर लगा लिया, यहाँ वाला हाइलाइटर मैंने यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ वाला हाइलाइटर अलग है जो इस मैट ड्रामा किट में, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कॉन्टोरिंग किस तरीके से आप अपने फेस पर कर सकते हो ये आपको पता चला होगा। मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।